डियर फार्मा कैंडिडेट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की ओर से देखने को मिल रही है 633 पोस्ट फार्मासिस्ट की। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है फार्मासिस्ट की। तो चलिए बात करेंगे किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, क्या कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या कुछ है और पे स्केल क्या कुछ रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से जीडीसी फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट प्रोवाइड की जाती है इमिडिएटली। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की ओर से आई हुई है ये वैकेंसी, जो कि आज ही की डेट में आई हुई है, तुरंत ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश पे हैं हम सभी। ठीक है, चलिए, तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि स्टार्ट होने वाली है, इसका स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगी, जिसकी एंड डेट रहने वाली है 21 अक्टूबर। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। किस प्रकार से अप्लाई करना होगा ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आपको फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। चलिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर दे दिया गया, आप देख सकते हैं ये आपकी जो एग्जामिनेशन है सीबीटी बेस्ड रहने वाली है और 30 नवंबर को आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, इस बात की श्योरिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी 446 पोस्ट रहने वाली है। तेलंगाना वैद्य विधान परिषद में आपका 185 पोस्ट रहने वाला है एंड MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर में 2 पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार से पूरी 633 पोस्ट रहने वाली है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, ये पोस्ट रहने वाली है। बहुत ही अच्छा मौका है, इस जरूर से वैकेंसी पर आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से बम्पर वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है, जहाँ पर पे आप देख सकते हैं स्केल क्या कुछ रहेगा। पेस के यहाँ पे आपका दिया गया है 31,040 रुपए से लेकर 92,050 तक का रहने वाला है यहाँ पर पे स्केल। बहुत ही अच्छी यहाँ पर पे स्केल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे क्या कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। तो 100 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए, जिसमें से 80 मार्क क्या कुछ रहेगा, 80 मार्क का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाली है और 20 मार्क यदि आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में सर्विस आपने किया है, तो जैसे कि 6 मंथ का सर्विस किया है तो 2.5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 मार्क मिलेगा 6 मंथ यदि आपने ट्राइबल एरियाज में किया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें दी गई हैं, इसे जरूर से एक बार आप रीड आउट कर लेंगे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर भी दिया गया है। तो ये आप देख पाएंगे पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्या कुछ रिक्वायर होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ये तो आपको हम आगे चलकर जो कि 5 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है वो हम आपको पहले ही पहले इन्फॉर्म कर देंगे। पर यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है, तो डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा डी तीनों ही कैंडिडेट रहने वाले एलिजिबल। इट मीन्स जिन्होंने भी फार्मा किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी रहने वाला है। बी फार्मा किए हो या फिर डी फार्मा या फिर फार्मा डी, सभी स्टूडेंट यहाँ पर रहने वाले एलिजिबल। बट याद रखिए कि यहाँ केवल जिनका रजिस्ट्रेशन तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल में हुआ है वही केवल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो तेलंगाना स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, केवल तेलंगाना स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी एज लिमिट आप देख पाएंगे 46 ईयर से पहले के कैंडिडेट केवल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एज की भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, जिसे आप लोग जरूर से एक बार रीड कर लेंगे, एज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ठीक है, ऑनलाइन फीस क्या कुछ है, तो ओनली 500 यहाँ पर रहने वाली एग्जामिनेशन फीस के। और कैटेगरी की बात करेंगे तो 200 रहने वाली एप्लीकेशन फीस, जरूर से एक बार इसे भी चेक कर लेंगे आप सभी। ठीक है, और प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी रिटर्न जो आपकी एग्जामिनेशन है जो कि 30 नवंबर को होने वाली है, ये आप लोग यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर क्या कुछ रहने वाला है, तो ये एरिया दिया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पर से चेक कर पाएंगे। और नीचे चलेंगे तो आप सभी देख पाएंगे कि किस जोन में कितनी कुछ पोस्ट रहने वाली है, इसका भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसे आप लोग यहाँ पर से चेक कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई इस PDF में, जरूर से इसे आप लोग एक बार विजिट करिए। तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ये सुनहरा मौका रहने वाला है, बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, 633 पोस्ट रहने वाली है, जिसके प्रिपरेशन के लिए जरूर से आप GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही
प्रीफर करिए फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी दोनों ही बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, अभी शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है ये जो बुक्स हैं, ठीक है, जो कि आपको GDC क्लासेस ऐप के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। जरूर से आप लोग इसे चेक करिए। साथ ही फ्री टेस्ट के लिए आप बैचेस में जुड़ जाइए। GDC क्लासेस ऐप में फ्री बैचेस में आप लोग जरूर से जुड़ जाइए, जिसमें डेली बेसिस पर आपको फार्मासिस्ट रिगार्डिंग MCQ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इसी प्रकार की अपडेटेड वैकेंसी न्यूज़ के लिए बने रहिए GDC फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल दी बेस्ट।